सो ही गाइस अभी लोग जाने वाले हैं इंडस के जो डेवलपर्स हैं उनसे मिलने के लिए। ये रहे गाइस डेवलपर से तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है इंडस बैटल के ऊपर, और गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीटा टेस्टिंग में। एंड ऑल्सो गाइस बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके इंडस के रिलेटेड, जैसे कि मैं अभी प्ले टेस्ट में खेल के आया तो लोगों ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, गेम में TPP है या FPP है या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनका मैं सोचता हूँ कि मतलब आपको जाना जरूरी है। एंड गाइस मेरे को खेल के गेम को बहुत सारे एक्सपीरियंस मिला है, तो मैं आपको वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी मिस के लिए। तो प्लीज यार बने रहना वीडियो पे। एंड गाइस आप मेरा पीछे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए ना रूप में, तो ये चेंजेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, सो लेट्स गो। एंड मैम यहाँ पे मैम है जो भी ये भी लाइक मतलब 3D आर्टिस्ट। ये रहे गाइस डेवलपर गाइस, अमेजिंग चीज़ें बनाने स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आ रही है। मुझे सबसे ज़्यादा अपने FPP पसंद आया, FPP मैंने खेला बहुत पसंद आया। एंड ये रहे सर डेवलपर, ये बनना है, ये FPP का डिज़ाइनर है। व्हीकल मेरे पास बहुत औसम लगी, स्पीड भी काफी अच्छी लगी, मतलब जैसे कोई आपको टारगेट कर रहा है जल्दी से नहीं टारगेट नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छा लगा। सो है विथ वॉकर्स, अगर आपने अभी तक जाके गेम को प्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट जाके प्री रजिस्ट्रेशन कर लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, तो इवेंट और बीटा टेस्टिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो इसी के साथ फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ गेम से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, तो लेट्स गो। तो हे विथ वॉकर्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे गेम से रिलेटेड, गेम कैसा होने वाला है, गेम में ग्राफिक्स लो क्यों लग रहे हैं, क्या गेम में TPP FPP ऐसा कुछ मोड होने वाले हैं, क्या इसमें मल्टीप्लेयर या 2-3 मैप्स भी होंगे, और क्या इसमें रैंक सिस्टम था। तो गाइस अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो देखना ठीक है। तो हे गाइस, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा जो इससे पहले मैंने डाला पूरा फुल गेम प्ले है उसमें, तो आप वो भी देख सकते हो ऊपर यहाँ पे क्लिक करके, फटाफट जाके चेकआउट जरूर करना, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ गेम की ग्राफिक्स रिलेटेड, तो आपको सभी को मालूम था कि गेम की ग्राफिक्स थोड़े से लो लग रहे थे, तो गाइस वो ऑनेस्टली बोलो तो गाइस मैंने जानबूझ के लो करे थे, बिकॉज हमारा वहाँ पे टूर्नामेंट जैसे आपने देखा होगा टूर्नामेंट टाइप चल रहा था, तो वहाँ पे अगर मैं हाई ग्राफिक्स में खेला था ना तो मेरे को बहुत सारा FPS ड्रॉप देखने को मिल रहे थे, तो दैट्स व्हाई मेरे को गेम की ऑप्टिमाइजेशन से ज्यादा मतलब ज्यादा फायदा मिल रहा था, तो मैंने फटाफट गेम को जाके थोड़े से लो ग्राफिक्स कर दी। ये मैंने वहां पे डेवलपर से बोला कि मेरे को गेम के लो ग्राफिक्स कर दिया जाए, तो मैंने उन्होंने मेरे डिवाइस में जाके लो ग्राफिक्स कर दिया था। तो गाइस ये सबसे गेम के सबसे लोएस्ट ग्राफिक्स होने वाले हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे ग्राफिक्स भी थे लेकिन उसमें गेम लैग हो रहा था, सॉरी वो गेम प्ले मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और दूसरा सवाल था कि गेम में कितने प्लेयर होने वाले हैं, तो गाइस गेम में 60 प्लेयर होने वाले हैं, 60 प्लेयरों की लॉबी होगी और जिसमें आप आपस में खेल सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है 4-4 मतलब आपके टीम में 4 प्लेयर्स होंगे एंड 60 प्लेयर की लॉबी होगी, ठीक है। और बात थी कि TPP FPP क्या क्या होने वाला है, तो गाइस अभी फिलहाल गेम में TPP है लेकिन आप FPP में स्विच कर सकते हो एक बटन के जरिए, जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका FPP ऑन हो जाएगा। और गाइस और TPP में मेरे को FPP ज़्यादा अच्छा लगा, FPP में ज़्यादा रियलिस्टिक गेम लग रहा था मेरे को, लाइक मूवमेंट्स हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो कह सकते हैं कि FPP थोड़ा बेटर लगा। और भी बहुत सारे लोग बोले थे गाइस TPP के थोड़ी मूवमेंट अच्छी नहीं लग रही उनको, तो गाइस ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि ये चीज़ें वो बहुत जल्द सही करने वाले हैं, अभी ये लोग ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, तो मे बी कि हमें और अच्छी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस मुझे काफ़ी अच्छा एनिमेशन जब देखने को मिला, जब हमारा प्लेन आया था ना, लाइक जो प्लेन था या स्पेस शिप थी उससे जब हम लैंड कर रहे थे ना भाई, एक तरफा मज़ा आ रहा था, लाइक बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई क्या मस्त मैप है, कितना बड़ा गाइस मैप बोलूँगा बहुत बड़ा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरे को वहाँ पे गाड़ी मतलब वहाँ पे मेरे को बाइक मिली चलाने के लिए, बाइक में हम लोग 2 प्लेयर्स बैठ सकते थे, ये बहुत अच्छा लगा। गाइस गन के अंदर हमें मतलब गन के अंदर रिकॉइल है,
रिकॉइल के साथ साथ आपको अटैचमेंट्स ही मिलती हैं, और भी बहुत ये अटैचमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करती है रिकॉइल वगैरह कंट्रोल करने के लिए, डैमेज वगैरह देने के लिए। एंड गाइस गेम थोड़ा हार्ड है और ग्राइंड करने वाला है, जैसे कि आपको स्प्रे वगैरह करना है तो भाई पहले ग्राइंड करना पड़ेगा, रिकॉइल वगैरह क्या क्या होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको बताने बहुत अच्छा लगने वाला है कि आपको ना गेम में लाइक ऐसा नहीं होता बैटल रॉयल में कि हम लोग को लड़ना होता है और लास्ट में जो जीतता है वही गेम ले जाता है, मतलब लास्ट में जो जीता एक भी बंदा बचा रहा था वो जीत जाता है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, लास्ट में एक सर्कल होगा छोटा सा, बहुत छोटा सा, जैसे आप हर गेम में होता है बैटल रॉयल के इतना छोटा सर्कल होगा, उस सर्कल के अंदर क्या होगा एक डायमंड स्पॉन होगा, ठीक है, तो वो डायमंड कलेक्ट करना है तभी आप जीतोगे, ठीक है। और डायमंड कलेक्ट करने के लिए एटलीस्ट आपको शायद 10 सेकंड का टाइम देना होगा, 10 सेकंड कहीं भी स्पॉन हो जाएगा, ओपन में स्पॉन हो सकता है। तो टीम मेट्स के भाई लास्ट में जो इंटेंस होता है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत अनोखी चीज़ है, ठीक है। तो क्या होता है, लास्ट में आपको एक डायमंड कलेक्ट करना होता है, जिसने डायमंड कलेक्ट कर लिया वही जीतता है, चाहे आप आपकी टीम चाहे 4-5 टीम बची हो चाहे कितनी भी टीम बची हो। तो मैं बताता हूँ, जो मैं मैच में बहुत अच्छे तरीके से मैंने MVP लिया था, तो उसमें क्या था कि 4 या 5 टीम जिंदा थी, अब वो आपस में लड़ रही है, मैं चुपचाप गया और मैंने डायमंड कलेक्ट कर लिया, वो सबसे ज़्यादा मस्त था, तो वो बहुत मजा आया। ये मैकेनिज्म मेरे को बहुत यूनिक लगा, ठीक है। और गाइस अभी बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हो कि गेम कब आने वाला है, कब बीटा टेस्टिंग देखने को मिलेगा, कब ग्लोबल रोज आने वाला है, तो भाई वेट करो थोड़ा सा, गेम को तुम लोग को बहुत जल्दी हो रही है ना गेम खेल के, आई नो मेरे को भी बहुत, मेरे तो खेलने को मिल गया तो लोग तुमको नहीं मिला मेरे को भी बुरा लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपको ये गेम देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ट्रेलर आ चुका है तो मुझे लग रहा है कि ट्रेलर के आने के बाद बहुत जल्द हमें बीटा टेस्ट भी देखने को मिलने वाला है, तो फटाफट जाके गेम को प्रिपरेशन जरूर कर लेना। एंड और भी कोई सवाल है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे अपना जो भी कमेंट है प्लीज़ 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 अच्छे तरीके से लिख दो ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। एंड आप भी चाहो तो मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे का इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और गाइस आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ बता दीजिएगा नीचे कमेंट में, ठीक है। तो गाइस सबसे ज़्यादा मुझे गेम की अमेजिंग चीज़ क्या लगी कि लाइक जब भी आप हील कर रहे हो ना गाइस, बहुत यूनिक एनिमेशन लिखा मेरे को FPP में जब मैंने स्विच किया, तो लाइक जब भी मैंने सरताज का एनिमेशन वो देखा, जब मैं हील करने के लिए गया तो हील करने के लिए उसने कुछ एंड्रोलिन को हाथ में लिया एंड देन वो एनिमेट हुआ, एंड उसने जब हाथ में लगाया वो जो वाइब थी ना बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया। हे गाइस आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट मिलता है। और आपका कोई सा भी क्वेश्चन है इंडस्ट्री रिलेटेड प्लीज़ नीचे अपना कमेंट दे देना ताकि मैं उसका रिप्लाई करके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन या जो भी आपका क्वेश्चन है उसका रिप्लाई कर सकूं। तो मिलते हैं गाइस आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।